हम सभी को पता है टेप नेक में अगर पाइपिंग अच्छे से फिटिंग में आए तो हमारे जो कंधे गिरने की समस्या होती है वो 90% तक कम हो जाती है। अब ये पाइपिंग नीट एंड क्लीन आए, खड़ी ना रहे, बहुत ही सुंदर लगे, इसके लिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो इस वीडियो में बताया है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अच्छी पाइपिंग के लिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि सही में उरी पट्टी काटना। अगर आप कपड़े को आड़े में और खड़े में खींचोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खींचता, लेकिन अगर आप तिरछे कपड़े में इसे खींचोगे तो इसमें बहुत ही खींचने की क्षमता ज्यादा होती है। तो हमें प्रॉपर तरीके से एकदम तिरछी पट्टियाँ काटनी है। इसके लिए कपड़े को आप इस तरह से त्रिकोण में मोड़ कर ले और फिर बीच में से कट लगाए। उसके बाद यहाँ पर हम एकदम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटेंगे। आप पौने दो 2 इंच भी ले सकते हो, लेकिन बाद में हमें वो कट करनी पड़ती है। तो बिल्कुल 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर त्रिकोण करके आपको पट्टियाँ काटने को बोला है, क्योंकि त्रिकोण करते हैं ना तो एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा तिरछा कपड़ा आता है और उसमें खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अब इसको जोड़ना मैं बताऊंगी। पट्टियों को तिरछे में जोड़ा जाता है, लेकिन कई लोगों को तिरछा जोड़ देना नहीं आता, तो उनके लिए मैं आसान ट्रिक बताऊंगी। इसको बस सीधा कट कर लीजिएगा और पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखिएगा। रखने के बाद बस एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछी सिलाई लगानी है। तो एकदम एक कोने से दूसरे कोने तक सिलाई को लेके जाना है, जिससे क्या होता है हमारी जो पट्टी है वो एकदम सीधे में जुड़ जाती है। एक्स्ट्रा का कपड़ा पहले से कट कर लूंगी और फिर इसको हम पलट कर देखेंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल सीधे में जुड़ चुकी है। अब इसको हम उल्टी साइड में लेंगे और सिलाई को बीच में चीर देंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि पाइपिंग लगाते समय जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर मोटी ना लगे। अब हमने लिया है ब्लाउज, तो एक चीज का ध्यान रखिए, स्लीव्स जोड़ने से पहले आपको गला जोड़ के लेना है। अगर स्लीव्स हम पहले जोड़ते हैं तो गला लूज पड़ने के चांसेस होते हैं, इसीलिए पहले हम गला जोड़ेंगे। अब यहाँ पर और एक खास टिप है, पाइपिंग लगाने से पहले यहाँ पर गले के किनारे से हम एक सिलाई लगा कर लेंगे, जिससे क्या होता है पाइपिंग लगाते टाइम हमारा गला लूज नहीं पड़ता, एकदम टाइट बना रहता है। मैंने यहाँ पर अस्तर लगाते टाइम ही गले में सिलाई लगाकर ले ली है। अब हम इसमें ये पट्टी ज्वाइन करेंगे जो हमने जोड़कर तैयार की। तो देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच होता है। अब इसे हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसे लगाना कैसे है मैं मशीन के ऊपर दिखाती हूँ। यहाँ पर हम फ्रंट से शुरू करेंगे, यानी आगे से। तो पट्टी को थोड़ा आगे रखकर हम यहाँ पर सिलना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि पट्टी को कैसे और कितना खींचना है। तो देखिए, जब भी हम पट्टी को लगाते हैं तो उसके सेंटर में से हमें खींचना है, ताकि ये बाजू फ्लैट बनी रहे और ये वाली साइड उठकर खड़ी रहे। बस इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप एकदम किनारे से यहाँ से खींचोगे तो पट्टी देखो टेढ़ी मेढ़ी दिखती है और ये बिल्कुल गलत तरीका रहेगा, जिससे हमारी पाइपिंग खराब हो सकती है। तो हमें खींचना कैसे है, तो देखो, पट्टी को यहाँ नहीं पकड़ना, हमें पट्टी को सेंटर में मतलब यहाँ पर पकड़ना है और बस हल्का सा खिंचाव देना है। उतना खिंचाव देना है जिससे यहाँ पर ये बाजू उठ खड़ी रहे और ये अंदर वाली जो साइड है जहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं वो एकदम फ्लैट दिखे। तो मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ। देखिए, इस तरह से हमें सेंटर में पकड़ना है दो उंगलियों की मदद से और उतना ही खींचना है जहाँ तक यहाँ पर ये गड्ढा ना तैयार हो और ये फ्लैट रहे और ये बाजू खड़ी रहे। बस इसी तरह से हमें पट्टी लगानी है और उतनी ही खींचनी है, उससे ज्यादा खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो बस उसी तरीके से हमें पट्टी को हल्का हल्का खींचते जाना है और सिलाई लगाती जाना है। तो देखिए, ये बाजू एकदम खड़ी रही है और ये बाजू एकदम फ्लैट यानी चिपक के आई है। तो बस इसी तरीके से अब गले को हम ऐसे सीधा लेंगे, गले को हम सीधे में लेंगे, बस गले को खींचना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। तो देखिए, इसी तरीके से मैं सिलाई लगाती जाऊंगी आगे की तरफ। ये बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। देखो, यहाँ पर भी मैंने दो उंगलियों की मदद से पट्टी को बीच में खींचा है, इस तरीके से रखा है और यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये बाजू खड़ी रहनी चाहिए और अंदर की तरफ फ्लैट रहनी चाहिए। तो इस तरीके से ही और उतना ही खींचना है जहां पर आपको लगता है कि चलो पट्टी अंदर की तरफ फ्लैट हो गई है, बाहर की तरफ उठ खड़ी रही है, तो हम बस उतना ही खींचेंगे और आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि गले को सीधे में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी टेंशन नहीं है कि गले को शेप अनुसार रखना है, इसको हम इसी तरह से सीधे में लेंगे।
और एकदम बिना दिक्कत सिलाई लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, गले में हमने पहले से किनारे से सिलाई लगा ली है, तो इससे गला लूज नहीं पड़ता अगर आप सीधे में करते हो तो भी, बस गले को खींचना नहीं। अब जहाँ पर जोड़ है सिलाई का, उस जोड़ को बीच में से उंगलियों की मदद से चीर देंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो, और फिर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता, पाइपिंग एक जैसी दिखेगी, कहीं पर मोटी कहीं पर छोटी ऐसे नहीं लगेगी। अब देखो यहाँ पर कर्व आ गया है गले का, मतलब गोलाई आ गई है, तो वहां पर भी हमें गले को आप सीधा करके ले और फिर सिलाई लगाए, कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज का ध्यान, पट्टी को सेंटर में खींचना है। तो इस तरीके से अगर आप पट्टी लगाते हो तो यहाँ पर आपका 90% तक काम हो जाता है, क्योंकि पट्टी शुरू में ही सही से लगना पाइपिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर हमने सिलाई कंप्लीट कर दी है, ये देखिए। लेकिन मैंने शुरू से लेके लास्ट तक पट्टी को बहुत अच्छे से खींचकर इसको मेंटेन करते हुए सिलाई लगाई है, और ये बहुत आसान है। तो देखिए पट्टी जब हम इस तरह से लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से नीट और क्लीन लगती है। ये आप देख सकते हो कितनी फ्लैट और कितनी सुंदर बैठी है। इसी से पता चलता है कि होने वाली पाइपिंग भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए ये इस तरीके से बैठी है, बाहर से ये उठ खड़ी है और अंदर से एकदम चिपक के आई है। ये देखिए इस तरीके से आपका भी लुक आना चाहिए। अब इस पट्टी को हम नाखून से इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो जब भी हम नाखून से प्रेस करते हैं तो पट्टी के ऊपर प्रेस करना है, ना कि हमें गले की ओर। तो पट्टी की ओर एकदम किनारे से हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे, जिससे पट्टी अंदर की तरफ अच्छे से झुक जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से हमने पट्टी को लगाना शुरू किया था, और लगाते टाइम पट्टी हमने आगे की तरफ निकाली थी, तो इसे अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ेंगे, और सिलाई मार्जिन जो है वो पट्टी के बीच में रहना चाहिए। इस तरीके से इसको मोड़ना, तो ये देखिए इस तरीके से इसको मोड़ेंगे, और ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी है यहाँ से पूरे गोलाई में। तो चलिए मशीन की ओर। तो देखिए यहाँ पर ये सिलाई मार्जिन है, सिलाई मार्जिन पूरी तरह से इस तरह से पट्टी के बीच में रहना चाहिए। इस तरीके से हमें पट्टी को इसके ऊपर मोड़ना है, तो ये सीधी साइड में हम सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड में इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें अंदाजा आ जाता है कि हमारी पाइपिंग कहाँ तक आएगी और हमें कहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको मोड़ कर लिया। मोड़ने के बाद यहाँ पर भी हम गले को सीधा ही रखेंगे। अब यहाँ से मैं सिलाई को शुरू करती हूँ। ध्यान दीजिएगा, सिलाई मार्जिन पाइपिंग के पट्टी के बीच में रहना चाहिए। तो ये देखिए सिलाई मार्जिन एकदम पट्टी के बीच में आपको अटका कर लेना है, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिलाई मार्जिन पट्टी के बाहर निकल जाता है, पाइपिंग के पट्टी के बाहर, तो पाइपिंग उठ खड़ी रहेगी। अब ये जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ये किनारे से नहीं लगानी, मतलब कि जो पट्टी है उस पट्टी के सेंटर से लगाइएगा। ये देखिए पट्टी के सेंटर से मैंने सिलाई लगाई है, क्योंकि जब हम पाइपिंग बनाएंगे ना तो ये सिलाई ऊपर की तरफ ना दिखे। तो बस मैं सेंटर से सिलाई लगाते जा रही हूँ। हमारा ये उद्देश्य है यहाँ पर कि जो सिलाई मार्जिन है वो पट्टी के बीच में अटका रहे। अब यहाँ नीचे गोलाई आ गई है, तो गले को सीधे में करके लीजिएगा, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, और फिर पट्टी को सिलाई लगाइएगा। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, पट्टी के सेंटर में से सिलाई लगानी है, ताकि जब हम ये पट्टी फोल्ड करें पाइपिंग के लिए तो उस पाइपिंग के ऊपर ये सिलाई ना दिखे, ये सिलाई नीचे की तरफ यानी अंदर की तरफ चली जाए। बस उस हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। तो ध्यान रखिएगा सिलाई मार्जिन एकदम पट्टी में अटक जाना चाहिए, अगर ये बाहर की तरफ थोड़ा भी निकलता है ना तो बहुत परेशान करता है, तो इसीलिए उसका ध्यान रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। और वैसे भी यहाँ पर हमें सीधे में सिलाई लगानी है, ना कि गले के शेप के अनुसार, गले को सीधा करना है और सीधी सिलाई लगाती जानी, तो कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे भी मैंने अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड किया और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी। तो ये पूरी कंप्लीट सिलाई हमारी हो चुकी, बस अब हमें बस पाइपिंग का इंतजार है। तो देखिए कितनी सुंदर, ये पट्टी भी कितनी सुंदर बैठी है, आप देख सकते हो। बस इससे ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर हम छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखते हैं। अब देखो ये जो पट्टी है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो रही है, तो आप इस पट्टी को पूरी गोलाई में
इस तरह से एक्स्ट्रा की पट्टी को कट कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर हमें ये भी चेक करना है कि हमारा सिलाई मार्जिन पट्टी के बीच में अटका है या नहीं, या फिर बाहर निकला है। तो मेरा तो यहाँ पर पूरा पट्टी के बीच में अटक गया है। अगर आपका थोड़ा बाहर निकलता है तो आप यहाँ से सिलाई लगा दीजिएगा, ताकि ये सिलाई मार्जिन पट्टी के बीच में बना रहे। आप चाहो तो बड़े टाँकों वाली सिलाई लगा दीजिएगा, ताकि उतना ही हिस्सा आप बाद में निकाल सको सिलाई का। तो यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी पाइप सॉरी सिलाई मार्जिन पट्टी के बीच में अटक गई है। अब देखो सीधे में भी आपको ये इस तरह से लुक दिखेगा। अब हम चाहे जैसा इसको मोड़कर पाइपिंग बना सकते हैं। बस एक फाइनल स्टेप हमारा रह गया है, तो चलिए मशीन की ओर। तो देखिए आगे से मैंने शुरू किया है, हमें जितनी मोटी पतली जैसी पाइपिंग चाहिए वैसी आप निकाल दीजिएगा और यहाँ से सिलाई को शुरू कीजिएगा। तो देखिए सिलाई में कहाँ से लगा रही हूँ, पाइपिंग और हमारा जो गले का पैटर्न है उसके बीच में जो खाँच रहती है उसी खाँच में से हमें सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ पर क्लोज लिया है ताकि आप क्लियर समझ सको। तो देखिए और एक ज़रूरी बात, मैंने धागा कौन सा इस्तेमाल किया है, तो ऊपर की तरफ मैंने जो गले का सॉरी मेरे ब्लाउज का कलर है ग्रीन कलर, उसका धागा मैंने यूज किया है, ताकि गलती से अगर ब्लाउज के ऊपर भी सिलाई चली जाती है तो वो ऑड ना दिखे। अब देखो यहाँ पर हम इस तरह से घुमाते, शेप के अनुसार हमें घुमाना है। अभी हमें गले को बिल्कुल भी सीधा नहीं रखना। तो एक बार एक हाथ से मैं पाइपिंग को पकड़ रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं गले को घुमा रही हूँ, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर खासकर गले को घुमाने की जरूरत कहाँ पर होती है, जहाँ पर गोलाई होती है। अब यहाँ से सीधे आगे सीधी सिलाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई गोलाई नहीं होती गले को। तो इसी तरीके से उंगलियों की मदद से पाइपिंग को जितना चाहे वैसा हम रखेंगे और सिलाई एकदम खाद से लगाते जाएंगे। अब हम आ गए हैं पीछे गले की ओर। पीछे गले की ओर भी यहाँ कोनों में गोलाई होती है, ये देखिए यहाँ पर गोलाई होती है। तो यहाँ पर और एक जरूरी टिप है, पहले हम गोलाई में पाइपिंग को सेट करके लेंगे उंगलियों की मदद से, क्योंकि सिलाई लगाते टाइम हम यहाँ पर सेट नहीं कर सकते। पहले सेट करके लेंगे गोलाई, इतनी गोलाई मैंने सेट कर ली, और फिर सेट करने के बाद मैं उसको उंगलियों से दबा के रखूंगी। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैंने उंगलियों से दबा के रखा, और फिर दूसरे हाथ से मैं इसको इस तरह से कपड़े को घुमाते जाऊंगी। एक हाथ से उंगलियों से दबाया है और दूसरे हाथ से मैंने गले को घुमाकर सिलाई लगाना शुरू किया है। उंगलियां तब तक नहीं निकालनी है जब तक वो गोलाई गोलाई हमारी पूरी तरह से कवर ना हो। बस हमें क्या करना होता है, कॉर्नर जो होते हैं ना, कॉर्नर में गोलाई होती है, एक बार गोलाई सही से आ जाए ना तो बस गला फिटिंग में बैठना ही है। तो पहले हम सेट करके लेंगे और फिर दूसरे हाथ से इसको कर्व के अनुसार घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर अपना टाइम ले ले, यहाँ पर हमें कोई जल्दी नहीं होती। गोलाई के ऊपर जहाँ पर गोलाई होती है वहाँ पर एकदम धीरे धीरे काम करें, और जैसे ही गोलाई खत्म होती है आगे की तरफ सीधा शेप आता है, तो वहां पर आप अपने हिसाब से सिलाई लगाएं। अब इस कोने में और एक गोलाई आ गई गली की, तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले पाइपिंग को सेट करके लेना है उंगलियों की मदद से। इस तरीके से पाइपिंग हम सेट करके लेते हैं और उसको उंगलियों से दबा के रखें। एक हाथ से उंगलियों से दबा के रखना है, दूसरा हाथ यहाँ पर रखना है और इसको घुमाना है, और घुमाते टाइम गले को खींचना नहीं है, बस जैसा जैसा कपड़ा आगे बढ़ेगा बस उसको घुमाना है। ये देखिए बस मैं घुमा रही हूँ, कपड़ा अपने आप आ रहा है, कपड़े को खींचना नहीं। और जैसे गोलाई खत्म होती है बस आगे की तरफ हम निकल जाएंगे। अब बस पाइपिंग खत्म होने को ही है, क्योंकि जितने भी टिप्स थे ट्रिक्स थे वो सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आशा करती हूँ आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता ही है तो मुझे आप जरूर पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर हम बताते हैं और समझाते हैं तो आप उसको आत्मसात कीजिएगा, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। तो कोई भी पुराने कपड़े पे आप गला कटिंग कर लीजिएगा और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उसकी मदद से। यकीन मानिए आपकी पाइपिंग बिल्कुल 100% अच्छी आएगी। तो देखिए ये गला हमारा तैयार हो चुका है, पूरे गोलाई के कॉर्नर भी बहुत अच्छे से आए हैं और ये गला भी बहुत अच्छे से फिटिंग में बैठा है।
तो ये आपको मैं पूरे में दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी इस तरह से फ्लैट आपको गला दिखना चाहिए, कहीं पर भी पाइपिंग खड़ी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, कोई डाउट से तो पूछना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।